किन्नौर युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा डीसी महोदय को रिगार्डिंग जितना भी जो कंज्यूमर गुड्स किन्नौर ज़िले के बाहर से आ रहा है, हमारी ये मांग है कि जो भी सामान किन्नौर ज़िले के बाहर से चाहे अन्य राज्यों से आ रहा है उसको कम से कम एक दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि WHO के अनुसार प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, इसमें कम से कम 72 घंटे तक ये वायरस टिका रहता है, वो तब तक किसी मनुष्य के संपर्क में ना आए तब तक वो टिका रहता है। और दूसरी चीज़, जैसे कार्डबोर्ड है, इसमें 24 से 48 घंटे तक ये संक्रमण टिका रहता है वायरस। तो हमारा ये मानना है कि जब तक ये मनुष्य के संपर्क में ना आएगा, अगर 24 से 72 घंटे तक अगर मनुष्य के संपर्क में नहीं आएगा तो ये वायरस ख़त्म हो जाता है। तो हमारा ये है कि प्रशासन ने इससे पहले किन्नौर के बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है, जिसके कारण आज किन्नौर ज़िला, पूरे देश में 1.5 दर्जन ज़िलों में किन्नौर ज़िला भी आता है जहाँ पर अभी तक ये वायरस नहीं आया है। इसके लिए समस्त किन्नौर की जनता का, प्रशासन का, पत्रकार भाई बंधुओं का, हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और सबको बधाई देना चाहूँगा। आप सभी के सहयोग से ये अभी तक वायरस किन्नौर में नहीं आया है, अभी तक हम इससे बचे हैं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना भी सामान बाहर से आ रहा है इसको भी कम से कम एक दिन तक क्वारंटीन किया जाए, जिससे कि संक्रमण का खतरा ना रहे।